सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक फनेटिक्स साउंड्स रीड इंग्लिश के सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है और एक यूनिट दी हुई है। फोर्थ यूनिट जो है वो फनेटिक सिंबल्स की है, साउंड्स की है। बहुत सारे लोगों के लिए ये टॉपिक बिल्कुल नया हो सकता है। ये ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसके बारे में पहले आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस वीडियो में इसका कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ आधारभूत बातें आप लोगों को समझा सकूँ और बाद के वीडियोज़ में हम इस टॉपिक को और गहराई से पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको PHONETICS, ये जो वर्ड है इसको सही प्रोनंसिएशन जो इसका है वो है फनेटिक्स। क्या बोलेंगे आप लोग इसको? फनेटिक्स बोलेंगे, कोई भी फोनेटिक्स नहीं बोलेगा, फनेटिक्स नहीं बोलेगा, इसको फनेटिक्स। फै के बाद ए है, ये जो साउंड है ये ए की साउंड है। फै ने टी के से फनेटिक्स है ये सिंबल्स इन इंग्लिश। मैंने कोशिश ये की है कि हर उस शब्द का जो आप लोगों को जानना चाहिए उसका फनेटिक सिंबल, उसका ट्रांसक्रिप्शन भी मैंने लिख के दे दिया है। तो सबसे पहले तो जो आपको सिलेबस में है सिंबल्स, तो सिंबल्स होते क्या हैं ये जानेंगे हम, ठीक है? फनेटिक्स में ही पढ़े जाते हैं सिंबल्स और साउंड्स। जिस प्रकार से लेटर्स होते हैं उसी प्रकार से बोलने के लिए हमें साउंड्स चाहिए, फोनेटिक सिंबल्स चाहिए। लिखने के लिए क्या चाहिए? लेटर्स चाहिए। उसी प्रकार से बोलने के लिए सिंबल्स या फिर साउंड्स की आवश्यकता होती है। एक लेटर को जिस तरीके से ए है इसको एक से ज़्यादा तरीके से बोला जा सकता है, इसलिए लेटर्स की अपेक्षा साउंड्स की जो नंबर है, साउंड्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है और वो है 44। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कुछ बहुत काम की चीज़ें पहले देख लेते हैं। व्हाट इज फनेटिक्स? फनेटिक्स होती क्या है ये देख लेते हैं सबसे पहले। फनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच और साउंड। ये आपके सिलेबस में है। जिस स्टडी में जहाँ साउंड्स को पढ़ा जाता है, जहाँ साउंड्स को पढ़ाया जाता है उस स्टडी को फनेटिक्स कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई? फनेटिक्स डिस्क्राइब्स साउंड्स, फनेटिक्स साउंड्स बताता है यूजिंग द सिंबल्स ऑफ, किनको सिंबल्स यूज करते हुए, किसके सिंबल्स को? इंटरनेशनल फनेटिक अल्फाबेट। आपको इसमें ये समझाया गया है कि IPA का मतलब क्या होता है। ये जो आपको सिंबल्स दिए होते हैं ये सिंबल्स क्या हैं? ये सिंबल्स हैं इंटरनेशनल फनेटिक अल्फाबेट। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है IPA से क्या मतलब है, व्हाट डज IPA स्टैंड फॉर, IPA का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो I से मतलब है इंटरनेशनल, P से मतलब है फनेटिक और A से मतलब है अल्फाबेट। ये क्या है जो सिंबल्स हम पढ़ेंगे, ये सिंबल किसके सिंबल है? इंटरनेशनल फनेटिक अल्फाबेट के सिंबल है, IPA के सिंबल्स है। इज इट क्लियर? मुझे लगता है कि चीजें आपको यहां से समझ आना शुरू हो गई होंगी। उसके बाद देखिएगा, एक वर्ड और होता है IPA, इंटरनेशनल फनेटिक अल्फाबेट वॉज डिवाइज्ड। इसको जो बनाया गया है, इसको जो डिवाइज्ड किया गया है, इसका जो इजाद किया गया है, इसको जो खोजा गया है, इसका जो निर्धारण किया गया है वो कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है, यानी कौन डिसाइड करता है कि किस प्रकार के सिंबल्स होंगे, कौन से वर्ड का क्या फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये कौन तय करता है? तो उस संस्था का जो नाम है वो भी IPA है। वो संस्था भी कौन सी है? IPA है। तो उसको IPA है तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे IPA को इंटरनेशनल फनेटिक, ये देखिएगा ये वर्ड है इंटरनेशनल फनेटिक एसोसिएशन, ये वर्ड है। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं
IPA स्टैंड फॉर, और फिर एक ऑप्शन में दे दिया जाता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, दूसरे ऑप्शन में दे दिया जाता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, तीसरे ऑप्शन में दे दिया जाता है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में दे दिया जाता है नाइदर ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। हमने आपको ये समझाया कि व्हाट इज फोनेटिक्स, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच और साउंड। साउंड क्या है? साउंड आर द सिंबल्स ऑफ इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इज इट क्लियर? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट यानी साउंड सिंबल्स को किसने डिवाइज किया? उस संस्था का नाम है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा एक वर्ड और अक्सर एग्जाम में पूछा था, RP, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। इसका सही जो प्रोनंसिएशन है वो प्रोनंसिएशन बोलिएगा, इसके अलावा कुछ मत बोलिएगा। आगे हम पढ़ते हैं, ये देखिएगा वर्ड PHONEME, PHONEME, इसको फोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनिम, 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 ऐसे बोलेंगे इसको, फोनम्स नहीं बोलेंगे इसको। कई लोग पढ़ा भी देते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फोनेटिक्स को फोनेटिक्स बोलते हैं, इसको फोनिम को फेनिम बोलते हैं। तो यही तो सीखना है कि सही वर्ड क्या होगा। तो PHONEME, इसको क्या बोलेंगे? फोनिम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की सबसे छोटी यूनिट है उसको फोनिम कहते हैं, यानी जितनी साउंड होती है उतनी फोनिम्स होती हैं। तो ये इसको साउंड को एक वर्ड कह सकते हैं सिंबल, साउंड्स को क्या कह सकते हैं भाई हम? सिंबल्स कह सकते हैं, और सिंबल्स को ही क्या कह सकते हैं? फोनिम्स कह सकते हैं। तो ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। अभी तक हमने जो आपको बताया वो ये बताया, IPA का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, IPA का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, फिर RP का मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, उसके बाद में आप इनको साउंड कह सकते हैं, आप इनको सिंबल्स कह सकते हैं, आप इसको फोनिम्स कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स और साउंड्स इन इंग्लिश, देखिएगा एक बार ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश का ही पूछा हुआ है, इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में पूछा हुआ है। आप कहेंगे सर हमारे सिलेबस में साउंड्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है साउंड्स हैं, लेकिन जब तक आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं आता है आप कैसे बताएंगे? अगर उसने ये अंडरलाइन कर दिया जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ENGLISH, ये दे दिया आपको, और इसको अंडरलाइन कर लिया कि ये लेटर कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन आएगा द अंडरलाइंड लेटर रिप्रेजेंट्स द साउंड, अंडरलाइंड ये लेटर को अंडरलाइन कर दिया और इसको कौन सी साउंड रिप्रेजेंट करती है। आपके ऑप्शन में आ गए ये, उसके बाद में ये देखो बड़ी ई की तरह आता है, ए इस तरीके से और इस तरीके से, ये चार साउंड आ गए आपके सिलेबस में ये ऑप्शन में, तो आप बताएंगे ये है। तो ये तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इसका सही ट्रांसक्रिप्शन देख लीजिएगा, इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन है ए और ये अंग है, इंग, उसके बाद में ग है, ल है, छोटी ई की मात्रा है, और एस, इंग्लिश। ठीक है, हम साउंड्स का जिक्र करेंगे कौन कौन सी साउंड्स होती हैं, सारी चीजें एक बार इसका आधारभूत नॉलेज देख लेते हैं। कितनी साउंड्स हैं भाई? 44 साउंड्स हैं। आपको याद रखना है कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर, तो 44 है। इस 44 साउंड्स में भी इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दीज 44 साउंड हैव बीन डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, टू मेजर कैटेगरीज, दो मुख्य भागों में इनको विभाजित किया हुआ है। पहली कौन सी साउंड है? वाउल साउंड। देखिएगा कोई भी इसको वोवल नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे? वाउल साउंड बोलेंगे। साउंड का ट्रांसक्रिप्शन ये होता है, वाउल का ये होता है, और जो वाउल साउंड्स होती हैं उनका नंबर, उनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। आपको ध्यान रखना है कितनी वाउल साउंड्स होती हैं, तो 20 होती हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कॉन्सनेंट। क्या होता भी? कॉन्सनेंट। कोई भी इसको कंसोनेंट नहीं बोलेगा या किसी और उच्चारण में नहीं बोलेंगे। ये देखिएगा हमने इसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ लिख दिया है, क है उसके बाद ओ की मात्रा है, कौन से ए ने टे, कॉन्सनेंट। क्या बोलोगे इसको? कॉन्सनेंट।
कॉन्सनेंट साउंड एंड द नंबर ऑफ कॉन्सनेंट साउंड इज 24. 24 कॉन्सनेंट साउंड होती है और 20 वाउल साउंड होती है. यहां तक किसी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. अब देखेंगे अपन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वाउल्स. ये वाउल्स जो हैं, इसकी परिभाषा कौन सी साउंड्स हैं जिनको वाउल्स कहा जाता है और कौन सी साउंड है जिनको कॉन्सनेंट कहा जाता है. ये तो पता होना ही चाहिए हमें कि वाउल साउंड कैसी होती है, कॉन्सनेंट. देखिएगा, जब एयर एस्केप होती है, जब हम बोलते हैं और बोलते समय जो हवा पास होती है हमारे मुंह से, यदि वो फ्रीली पास हो बिना किसी बाधा के, आप साउंड बोल रहे हैं और साउंड बोलते समय आपके मुंह से जब हवा निकल रही है उस समय बिना किसी बाधा के यदि साउंड निकल रही है तो वो साउंड वाउल होती है. सीधी सी है, क्या है, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. कोई भी इसको क्या नहीं बोलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बोलेगा. बहुत सारे विद्यार्थी इसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं. बेटा एग्जाम में क्वेश्चन इसी हिसाब से आएगा, OBSTRUCTION, ये लिख दिया आपके लिए और यहां अंडरलाइन कर दिया कि ये जो इस शब्द में ये जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द में ये अंडरलाइन किया हुआ जो लेटर है ये कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट करता है. वहां ओ की साउंड भी होगी, वहां ए की साउंड भी होगी, वहां ये ए की साउंड भी होगी. आपको बताना होगा कि कौन सी ए की साउंड जो है या ओ की साउंड. तो इसकी ये देखो, इसका ये ट्रांसक्रिप्शन है जो मैंने लिख दिया है ये, ठीक है. हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत सारा मैटेरियल इसमें दिया जाए क्योंकि ये सबसे मुश्किल टॉपिक्स में से एक है. तो ये आप बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, हम पढ़ रहे थे वाउल. एयर एस्केप्स थ्रू द माउथ फ्रीली, इसको फ्रीली बोलेंगे, फ्रीली नहीं, फ्रीली. क्या बोलेंगे, फ्रीली, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. जब हवा मुंह से बिना किसी बाधा के आती है ऐसी साउंड्स को वाउल साउंड कहते हैं. और ऐसी साउंड्स की जो संख्या है वो कितनी है, 20 है. ऐसी साउंड की संख्या कितनी है भाई, 20 है. क्लियर हो गई बात. फिर देखिएगा, कॉन्सनेंट साउंड है, हमने ऊपर देखा कि इसको कॉन्सनेंट बोलते हैं. ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन बोलेंगे. देखो हमने यहां लिखा इसका प्रोडक्शन बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे. फिर ओ को अंडरलाइन कर दिया. आपसे पूछेगा कि ये इसका प्रोनंसिएशन क्या है, ये साउंड कौन सी है, तो आप बोलेंगे प्रोडक्शन. क्या नहीं बोलेंगे, प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे. इसके साउंड के प्रोडक्शन के दौरान द एयर एस्केप्स, एस्केप्स बोलते हैं, हमने इसके बोला था, थ्रू द माउथ विद ऑब्स्ट्रक्शन. हवा जब आती है इसके पेट बाहर निकलती है, थ्रू द माउथ विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन. और ये विद ऑब्स्ट्रक्शन, ये कॉन्स्टेंट, यहां हमने लिखा था विदाउट, ये मिसप्रिंट हो गया, ये विद है. विद ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा के साथ जब आती है. किसके साथ भी, बाधा के साथ आती है, हवा रुक के आती है, किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो साउंड कॉन्सनेंट होती है. बिना बाधा के वो कौन सी होती है, वाउल साउंड होती है. तो ये हमने एक छोटी सी बात इसको समझने का प्रयास किया था. अब जिन बच्चों को साउंड समझ में नहीं आती, मानो कि सब मुझे तो साउंड ही याद नहीं होती, तो वो एक बार वाउल साउंड को ठीक तरीके से याद कर ले, बाकी साउंड्स उसके समझ आ जाएंगे. जिस तरीके से आप ए बोलते हैं, ए आ ई ई बड़ी ऊ ऊ, ठीक है, ए आई ओ और औ, ये है, इसी तरीके से याद कर लेंगे. ए के लिए तीन साउंड होती हैं, ठीक है, ये तीन साउंड हो गई, ठीक है, मोनोफोन्स याद कर लेते हैं. उसके बाद ये हो गई आ के लिए कौन सी साउंड होगी, ये एक दो तीन हो गई, चार हो गई. ई के लिए कौन सी साउंड, ये छोटी के लिए, ये कौन सी, बड़ी ई के लिए, ये कौन सी, ऊ के लिए. देखो ये साउंड किसके लिए होगी, ऊ के लिए, ये ऊ के लिए होगी, ये बड़े ऊ के लिए होगी, ये ए के लिए होगी, ये आई के लिए होगी, ये ओ के लिए होगी और ये औ के लिए होगी, ठीक है. इस प्रकार से जब आप इनकी गिनती करोगे तो ये 12 साउंड हो जाएंगी. ये साउंड आप ठीक से याद कर लें, जिस तरह से ए के लिए ये हो गई एक, एक ये हो गई ए के लिए, एक ये हो गई ए के लिए, आ के लिए ये हो गई, ई के लिए ये हो गई,
और बड़ी के लिए ए हो गई, ठीक है, ऊ के लिए, अब इनको आप जब गिनती करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी साउंड हो गई हैं, कितनी हो गई, ये देखो 3, 3 6, 3 9 और 3 12, और मोनोफोन्स कितने होते हैं, 12 साउंड होती हैं, तो बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको याद नहीं किया जा सकता है। तो अब देखते हैं, पर अभी तक जो हमने पढ़ा उसको ध्यान से देखिएगा, साउंड्स कितनी होती हैं, 44 होती है, 44 साउंड्स को दो भागों में बांटते हैं कितने, 20 और 24, 24 जो होती है वो विद अब्स्ट्रक्शन होती है, बाधा के साथ होती है, इसलिए इनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, इनको वाउल्स कहा जाता है। अब अपन बांटेंगे किनको, वाउल साउंड्स को, किनको बांटेंगे भी, वाउल साउंड्स को बांटेंगे, इनको कहते हैं मोनोफोन, क्या बोलेंगे इसको, मोनोफोन। देखो ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है हमने, यहाँ ध्यान से दीजिएगा, मैं, ये ओ की साउंड है, ने, फिर ए की साउंड है, मोनोफोन, ठीक है, इसको प्योर वोवल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो PURE इसको बोलेंगे, प्योर, प्योर, ये पे और ये की साउंड है, ये किसकी साउंड है, ये देखिएगा, यूपी में जमुना को, यमुना को, यूपी में यमुना को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, जे, तो आप याद रख लेंगे, जो जे साउंड, जे के जैसे साउंड दिखता है वो क्या है, ये साउंड है। जसोदा को, यशोदा को वो लोग क्या कहते हैं, जसोदा कहते हैं, तो ये को आप लोगों को क्या लिखना है, जे लिखना है, ये जे की साउंड, ठीक है, जे की साउंड ये बोलती है, तो ये प्योर हो गया, प्योर वोवल कितने होते हैं, 12। डिफथोंग, डिफथोंग, डिफथोंग को ग्लाइड्स भी कहते हैं, ग्लाइड का ये ट्रांसक्रिप्शन है, ग्लाइड, इनकी संख्या कितनी होती है, 8, समझ में आ गया। अब देखेंगे अपन आगे, ये देखिएगा इनकी डेफिनेशन है, मोनोफोन यानी प्योर वोवल्स किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है, वाउल दैट इज स्पोकन विद एग्जैक्टली वन टोन, जो एक ही टोन के साथ एंड वन माउथ पोजिशन, इसको पोजिशन कहते हैं, देखो पोजिशन लिखा हुआ, पोजिशन नहीं क्या कहेंगे, पोजिशन, देखो एक ही पोजिशन में, जब माउथ की पोजिशन, जो मुंह की पोजिशन होती है, मुंह की जो स्थिति होती है, अगर वो सेम स्थिति है, सेम स्थिति में अगर वो बोला जाता है तो वो प्योर वाउल होता है, मोनोफोन होता है, ठीक है, जबकि डिफथोंग में क्या होता है, डिफ्थोंग का दूसरा नाम, इसका दूसरा प्रकार डिफ्थोंग होता है, आगे पढ़ेंगे हम, इसको ग्लाइड कहते हैं, ग्लाइड का मतलब खिसकना होता है, वहां से जो पोजीशन है मुंह में, जो पोजीशन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है, इसलिए उसको ग्लाइड कहते हैं, उनकी संख्या 8 होती है, वो आगे बढ़ेंगे। देखिएगा मोनो मीन्स वन या सिंगल, एंड द, ये जो है थोंग मीन्स होती है साउंड, मोनो का मतलब एक, यानी ये एक ही पोजिशन की साउंड होती है। अब देखिएगा वाउल्स को भी हमने शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से बांटा हुआ है, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, इसका जो सही प्रोनंसिएशन है वो शॉर्ट है, ऐसे लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, शॉर्ट, शॉर्ट नहीं बोलेंगे, शॉर्ट, शॉर्ट वाउल कितने होते हैं, 7, सीधा सा तरीका है, जिसके सामने ये पॉइंट्स लगे होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और जिसके साथ नहीं लगे होते हैं 12 में से, वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो ई, इसको ई बोलेंगे, ए आई ए ऊ और ओ, ये जो साउंड है ये सारी की सारी साउंड कैसी है, शॉर्ट वाउल्स है। अब से पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट वाउल, ये दे दिए 3, और इनमें से पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट वाउल, 3 ये दे दिए, ये चौथा दे दिया, एक ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, ये दे दिया, और एक ही ये दे दिया, आपसे पूछेंगे कि इनमें से शॉर्ट कौन सा है, तो ये शॉर्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे लॉन्ग वाउल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये ई ऊ आ ओ ए, ये इसके साथ, ए के साथ रे होता है अक्सर, जब ये ए होता है तो इसके साथ रे होता है, जैसे गल है। अब अपन देखते हैं वोल का दूसरा प्रकार, इनकी संख्या कितनी थी, अभी अपने देखे थे इनकी संख्या कितनी थी, प्योर वोल्स कितने हुए, 7 और 5 12, आपसे पूछ सकते हैं कि प्योर वोल की संख्या कितनी है, मोनोफोन्स की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 12 होती है, मोनोफोन की डेफिनेशन क्या है ये पूछ सकते हैं, शॉर्ट वोल्स कितने होते हैं ये पूछ सकते हैं, लॉन्ग वोल्स कितने हो सकते हैं ये पूछ सकते हैं, कौन कौन से शॉर्ट वाउल्स हैं ये पूछ सकते हैं, कौन कौन से लॉन्ग वाउल्स हैं ये पूछ सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि जब सिलेबस में टॉपिक ही सिंबल्स है तो सिंबल्स पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं अपन डिफथोंग्स पे, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लाइड्स है। क्यों कहते हैं इसको ग्लाइड्स, देखते हैं। डिफथोंग इज अ वाउल साउंड इन विच द टंग चेंजेस पोजिशन, टंग की पोजिशन चेंज होती है टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ टू वॉल्स। ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन होता है इसलिए इसकी पोजिशन क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लाइड्स कहते हैं या फिर डिप्थोंग्स कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। कितनी संख्या होती है इनकी, 8 होती है। ठीक है, इनमें से तीन सेंट्रिंग होते हैं। आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंट्रिंग डिप्थोंग, इनमें से सेंट्रिंग डिप्थोंग कौन सा है, तो ये तीन सेंट्रिंग डिप्थोंग है। तीनों के लास्ट में देखो, पहला है ई, ए है इसके लास्ट में, ए ए है, ये भी क्या है, ए है, और ऊ है, ये भी क्या है, ए है। तो जिनके लास्ट में ए है, ए की साउंड है, वो सारे के सारे कैसे हैं, सेंट्रिंग है, ये तीन है। आप याद कैसे रखेंगे इनको, मैंने एक तरीका अपनाया है, आप एक वर्ड याद कर लेंगे, तीन, क्लियर, एयर, क्यूर, CUR, ये तीन वर्ड याद कर लेंगे। तीनों वर्ड में सेंट्रिंग तीनों आ गए, जिससे देखो क्लियर क्लियर, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है क्लियर, तो लास्ट में क्या है, ई है, ए है ये लिखा हुआ है, और क्यू है ये ऊ है लिखा हुआ हुआ। तो ये तीन वर्ड याद रख लेंगे, तीनों से आपके याद हो जाएंगे। जिस तरह से आपने याद पूछे सेंट्रिंग कौन कौन से है, तो आपको याद रहे, क्लियर एयर क्वेर, क्लियर एयर क्वेर, क्लियर एयर क्वेर, तो क्लियर का ये हो गया ई है, एयर का ए है, और ये क्वेर का। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, सेंट्रिंग थे। उसके बाद क्लोजिंग, कितने हैं, क्लोजिंग, क्लोजिंग जो है डिप्थोंग्स वो है पांच, इनमें से तीन जो है वो ई के साथ एंड होते हैं, एंडिंग इन ई, ए आई और ओ, ई के साथ हो गए। जिस तरह से इनको याद कर लो, एट माई बॉय, तीन वर्ड याद देखो, एट माई बॉय, ये देखो एट ए आ गया इसमें, माई आई, ठीक है, बॉय ओई। अभी आपने क्या लिखा था, क्लियर एयर क्यूर, ठीक है, तीन उससे हो गए थे, कौन से, सेंटिंग। अब तीन इससे हो जाएंगे जो ई के साथ एंड होते हैं, वर्ड हम याद रख लेंगे, एट माई बॉय, एट में ए माई बॉय, तीनों वर्ड आप याद रख लेंगे, तीनों साउंड। उसके बाद में एंडिंग इन ऊ, आउ आउ, स्लाउ, क्या लिखेंगे, स्लाउ, ये आउ की होगी, ठीक है, आउ ये आउ की होगी, आउ आउ, स्लो आउट। तो आपको आठ वर्ड याद रखने हैं, कौन सा, क्लियर एयर क्वेयर, ठीक है, माई एट बॉय, स्लो और आउट, इससे आपके सारे के सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं इनको भी, चलो आज का वीडियो लंबा हो गया है तो इतना ही पर्याप्त है, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।